बड़ी बड़ी मोछ रख के बड़े बड़े नेता ताक रहे हैं कि हमको न्योता आएगा कि नहीं आएगा, तो हम भी जाएंगे। तो मंदिर में जाने वाले जो ललायत है वो सबसे बड़े मनवादी मानसिकता के गुलाम लोग हैं। जो व्यक्ति थोड़ा भी तर्कमान है, थोड़ा भी विद्वान है, थोड़ी भी सोच है शिक्षा की उसके अंदर, वो मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएगा। अरे यार, आदमी विद्वान विद्यालय से होता है, मंदिर जानते हैं क्या पैदा करता है? मंदिर से केवल भिखमंगा पैदा होता है। तो भारत को पूर्ण रूप से भिखमंगा बनाने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि जितनी लोग मंदिर में जाएंगे, मंदिर पर भरोसा करेंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे, अबे फुकरी के, अगर मंदिर जाने से शिक्षा नहीं मिलती तो बौद्ध विहार जाने से कौन सी शिक्षा मिलती है? अगर मंदिर जाने का विरोध कर रहा है तो बौद्ध विहार क्यों जाता है? बौद्ध गया में जाके क्यों मूर्ति के आगे लेटता है? अगर राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए तो बौद्ध गया के मंदिर में क्यों जाते हो झक मारने? फुकरी के, ये बात बता, सबसे ज्यादा भिखारी पैदा कहाँ होते है? वो बुद्ध विहार में होते है। जो भिक्षुक बन के हाथ में कटोरा लेकर आते है ना भिखमंगे, वो होते है भिखमंगे। मंदिर कभी भी तार्किक व्यक्ति पैदा करता है। मंदिर का पुजारी अपने काम धंधों में को कर कर भी मंदिर में पूजा पाठ करता है और अपने बीवी बच्चों को पालता है, और दूसरी तरफ तुम्हारा बौद्ध धर्म का भिक्षु अपने बच्चों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर, अपनी बीवी और परिवार को छोड़कर दूसरों को फुकट का प्रवचन दे के भीख मांगता फिरता है। तो सबसे ज़्यादा भिखारी बौद्ध धर्म पैदा करता है।